हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनु सिंघल आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं तंबोला के स्टैंडर्ड टिकट से आपके लिए दो लक गेम का आइडिया लेकर आई हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, प्योरली लक गेम है। पंचुअलिटी में, लक गेम में, बच्चों की बर्थडे पार्टी में, किसी भी गेम की पार्टी में हम इसे इंजॉय इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये नो प्रिपरेशन गेम है। सिर्फ आपको डबल डबल टिकट दे देने हैं। आप चाहे तो सिंगल टिकट देके भी खिला सकते हैं, आप मेरा आइडिया समझ लीजिए। आप चाहे तो डबल टिकट देके भी खिला सकते हैं। मैं आज आपको तीन लोगों का डेमो दे रही हूँ और दो गेम बताऊंगी। तो पहले गेम से स्टार्ट करते हैं। ये तीन टिकट हैं, तीन लोग बैठे हुए हैं मेरे ग्रुप में। अब इसमें फ्रेंड हमें स्टेयर्स की मस्ती करवानी है। स्टेयर्स यानी जीना, जीना यानी ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप इसे। हमारे इसमें कई कॉलम लगे हुए होते हैं, तो जो नंबर भी ऐसे तिरछे में आएंगे, जैसे ऐसे तिरछे, ऐसे ऐसे, देखिए इसमें एक तो हमारा ये हो गया। हमें ऐसे स्टेयर ढूंढने हैं, ऐसे ऑल्टरनेट में ये लेने हैं कि जिसमें तीनों में नंबर हो, और उसके बाद नंबर हमारे तीन पूरे नहीं होते हैं। ये देखिए, ये हमारे दो स्टेयर हो गए हैं जिसमें तीनों में नंबर है, एक दो तीन। ये अगर हम बर्फी बना देंगे इसकी, तो इसके ऊपर ये नंबर, इसके बाद ये वाला नंबर, ये देखिए ये तीन नंबर की बर्फी हमारी बन गई है। इसमें हमारे दो स्टेयर होते हैं। अब हम अगर इसमें हम देखेंगे तो इसका हमारा ये स्टेयर खाली है। पहले हम तीन स्टेयर ही पूरे करते हैं, ऊपर और नीचे में। देखिए ये मैं ऐसे बनाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा एक स्टेयर जिसमें तीनों में नंबर है, और ये हो गया हमारा दो स्टेयर ऊपर और दो स्टेयर नीचे। बाकी में तो हमारे तीन तीन नंबर नहीं आ रहे हैं, दो या एक नंबर आ रहे हैं जिसकी हम सीढ़ी बना सकते हैं। इसको बनाएंगे तो ना इधर नंबर है ना इधर नंबर है, इसको बनाएंगे इधर नंबर तो है लेकिन इधर नंबर नहीं है, और इधर तो कोई स्टेयर बन नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे तीन तीन के दो स्टेयर इसमें बनते हैं। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, जो स्टेयर बन रही है पहले हम उसको देखेंगे। ये देखिए एक स्टेयर बनी इसमें, और इसमें ये, इसमें दो बनेंगी, इसमें इसमें एक ही बनी है। इसमें अगर हम लगातार लेके चलेंगे तो इसमें हमारी एक ही स्टेयर बनी है। अब नीचे वाले में देखते हैं हम, ये देखिए एक, और ये दो, किसी किसी में तीनों स्टेयर भी बन जाएंगे फ्रेंड्स, और किसी में, इसमें देखिए नीचे वाले में तीन स्टेयर बन रही हैं जिसमें नंबर है। स्टेयर का मतलब है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जिसमें नंबर है। इसमें ऊपर में एक बनी और नीचे में हमारी तीन बनी। अब इसको और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमें विनर किस ढंग से इसमें देना है, जिससे आपको गेम क्लियरली समझ में आ जाए। हर मेंबर के टिकट में अलग ही अलग होने वाला है। तीन हमारे, तीन इसमें एक ही है, इसमें और कोई नहीं बन रही है, दो बन रही हैं, जिससे आप अपने मेंबर को इजीली समझा भी पाएं। जिसमें तीनों में नंबर हो और अल्टरनेट में हो, एक स्टेयर, ये देखिए ये दूसरी स्टेयर बिल्कुल चिपकी हुई इससे बनी है, ये भी बन गई और ये भी। इसमें भी तीन नंबर है, इसमें भी तीन नंबर है, और इसमें नीचे तीन बन गई हैं। ये देखिए इसमें भी चार स्टेयर बनी है, इसमें भी चार स्टेयर्स बनी है, और इसमें भी हमारी चार स्टेयर बनी है। हर एक का हिसाब अलग अलग है, किसी में ऊपर एक, किसी में ऊपर तीन, नीचे एक, इस टाइप से हमारी बनी है। अब इसमें हमें स्टेयर पहले मार्क करवा देनी है। जब सारे ग्रुप में बैठे मेंबर्स इन स्टेयर्स को मार्क कर लेंगे जिसमें तीन तीन नंबर हैं, सिर्फ वही आपको मार्क करनी है। उसके बाद होस्ट का काम शुरू होगा। होस्ट कहेगा जो स्टेयर्स में नंबर आपके हैं, चाहे कितनी स्टेयर्स आपके टिकट में आ रही हैं, इन स्टेयर्स के नंबर का आप टोटल कर लीजिए मोबाइल में। जितनी भी स्टेयर के अंदर नंबर है सिर्फ उन्हीं का आपको टोटल करवा लेना है। अब उस टोटल में आपका मन है आप हाईएस्ट बोल दें, आपको नहीं पता किसके मेंबर में कितनी बन रही हैं, आपका मन है आप लोएस्ट भी बोल सकते हैं, आपका मन है आप दो चिट भी बना सकते हैं, एक पे लिखिए हाईएस्ट और एक पे लिखिए लोएस्ट। अगर हाईएस्ट उठेगी तो आप ही उठाएंगे, होस्ट उठाएगा वो चिट, तो हाईएस्ट वाले मेंबर को, जो टोटल जिसका हाईएस्ट है उसको विनर दीजिए। अगर लोएस्ट उठती है तो उन स्टेट्स के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उसमें जिसका टोटल लोएस्ट आ रहा है उसका विनर दीजिए। तो ये था मेरा एक आइडिया, पसंद आया तो लाइक तो अभी से कर दीजिए। और उसके बाद मैं दूसरा आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बताना ना भूलें कि आपको मेरे इन दोनों गेम्स के लक गेम्स में कौन सा आइडिया ज़्यादा अपील करा।
अब इसमें भी मैं तीन मेंबर्स ले लेती हूँ। ये देखिए इसमें हम कुछ और ढूंढवाते हैं, किसी और ढंग से हम इसका आपको विनर देते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपने पेयर्स खेले होंगे जनरली, जो हमारे दो नंबर चिपके हुए होते हैं उसका, जिनके कॉलम्स के बीच में गैप नहीं होता है, इनमें गैप है ये नहीं माना जाएगा। ये दो एक से ये, इसमें ऊपर तीन पेयर हुए आपके और नीचे अभी पेयर में भी इसमें और भी कुछ बाकी है। पहले हम ये वाले पेयर देख लेते हैं जो हम हर समय खेलते हैं, इसमें भी तीन पेयर हुए फ्रेंड। इसके बाद हमें इसमें खड़े पेयर मार्क करवाने हैं, खड़े पेयर दोनों ही पेयर हमें इसमें मार्क करवाने हैं, स्टैंडिंग भी, जिनमें दो नंबर में कोई गैप ना हो, चिपके हुए हों। ये देखिए ये और ये, एक ये भी रह गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी बारी आती है, इसमें हमें विनर कैसे देना है। इसमें हमें पेयर गिनने हैं, चाहे वो लेटे हुए हों चाहे वो खड़े हुए हों। सर्किल के हमारे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब लेटे हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14 और एक के नीचे 15। ये इन टोटल 15 पेयर हो गए हैं, कुछ खड़े कुछ लेटे हुए मिला के डबल टिकट मिली। अब हम देखते हैं इसमें हमें विनर कैसे मिलेगा। इसमें एक ही टिकट का हम आपको और करके बता देते हैं। तो लेटे हुए देखिए, इसमें खड़े हमारे दो बन जाएंगे क्योंकि इसमें तीनों नंबर भरे हुए हैं, तो एक 30, 32 हो जाएगा और एक 32 और 34 हो जाएगा और एक हमारा ये लेटा हुआ पेयर तो है ही, ये भी लेटा हुआ है ये भी। इन छह नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में तीन पेयर खड़े और तीन पेयर लेटे फ्रेंड्स बन गए हैं। ये प्योरली लक की बात है। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसमें ज्यादा पेयर बनने की चांसेस हैं, नंबर का आप हिसाब देखिए। अभी अपन लोग गिनते हैं बैठ के कितने पेयर इसमें हमारे बने। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 पेयर तो हमारे खड़े बन गए हैं और लेटे हुए की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका टोटल होता है फ्रेंड्स 19, खड़े और लेटे हुए पेयर मिला करके इसका टोटल होता है 19, उसका हुआ था हमारा 14। तो फ्रेंड्स ये विनर हमारा जिसका हाईएस्ट टोटल होगा वो विनर होगा। अब ये प्योरली लक का गेम है, हो सकता है दो तीन मेंबर का 19 या जो भी हाईएस्ट आपका स्कोर आ रहा है वो दो तीन मेंबर का हो जाए, तब हमें विनर कैसे देना है उसका भी आप आइडिया सुन लीजिए। जिसका अगर हाईएस्ट है किसी एक सिंगल मेंबर का, तब तो कोई कहने की बात ही नहीं है, वो मेंबर जीतेगा जिसके पेयर हाईएस्ट होंगे लेटे हुए और खड़े हुए मिला के। लेकिन अगर दो तीन मेंबर साथ क्लैश कर रहा है तो फ्रेंड्स फिर आप टोटल करवा लीजिए मोबाइल में, जैसे हमने स्ट्रेयर से टोटल करवाया था, टोटल आपको उसी कंडीशन में करवाना है जब आपका दो तीन लोगों का जो टोटल है वो एक सा आ रहा है, उसके बाद फिर आपको एक चांस देनी पड़ेगी उसमें, उस केस में आप टोटल करवा सकते हैं। जिसका टोटल हाईएस्ट होगा वो आपका उस गेम का विनर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे दो आइडियाज, मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, पूरी तरह से मैं समझा पाई होंगी। आपको कौन सा आइडिया ज्यादा नया, ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा पसंद आया वो मुझे बताइए, और गेम का आइडिया पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स बनता है।